हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिश हेड के साथ आपको मछली की एक रेसिपी लेकर आई हूँ। फिश हेड जो मछली का ऊपरी भाग होता है उससे, तो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है। मैंने फिश हेड लिया था, रोहू फिश, उसे मैंने सिंपल नमक हल्दी लगाकर इसे फ्राई कर लिया था। करीब 2 आलू आपको लेना है, इस तरह से छोटे छोटे काट के इसे भी आपको फ्राई कर लेना है। आपको राइस लेना है, ब्रोकन राइस, जो छोटे छोटे राइस होते हैं ना वो वाले, और उसको अच्छी तरह से आपको करीब आधा घंटा भिगो कर उसे पानी को बिल्कुल निकाल कर इसे आपको घी में फ्राई कर लेना है, ठीक है। और मैंने जो मसाले लिए हैं, जीरा, धनिया, रेड चिल्ली एंड हल्दी पाउडर। हमें इसके लिए अदरक लहसुन का पेस्ट भी चाहिए, करीब 2 बड़े चम्मच। मैंने 5 हरी मिर्च ली हैं, तेज पत्ता जिसे हम बेलीफ भी कहते हैं, और 3 बड़े ऑनियन स्लाइस। और मैंने गर्म मसाले को सिंपल थोड़ा सा रोस्ट करके उसे क्रश कर लिया है, जिसमें मैंने इलायची पाउडर, लौंग और दालचीनी का लिया है। जिस तेल में हमने फिश फ्राई किया था उसी तेल में मैं इसे बनाऊंगी। तेल जब गर्म हो गया है मैं इसमें प्याज दे के इसको फ्राई करूंगी। प्याज को आपको हल्का फ्राई करना है। इसके साथ ही साथ हरी मिर्च भी इसमें डाल देना है, तेज पत्ता भी डाल देना है और इसे फ्राई करना है। इसी समय आप क्रश गरम मसाला भी डाल दें। जब अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए तो इसमें सूखे मसाले डालकर उसे भी आप भून लें। सूखे मसाले देकर आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि मसाले जले ना। आप मसालों को भूनते वक्त ही नमक स्वाद अनुसार इसमें डालकर आप इसे भूनें। जब इस तरह से तेल छोड़ने लगे तब आप इसमें फ्राइड पोटैटो और चावल, इन दोनों को इसमें मिक्स करना है। आपको अच्छी तरह इसे फ्राई करना है। जब ये मसाले, आपका आलू और चावल इस तरह से भुन जाए, जब तेल थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगे, तब आप इसमें 1/2 कप वाटर ऐड करके इसे मिक्स करते हुए करीब 5 मिनट आपको इसको पानी को सूखने तक इसे पकाना है। करीब 5 मिनट के बाद जब पानी इतना सूख जाए इसमें आपको फ्राइड फिश को इसमें मिक्स कर देना है। इस तरह से इसे मिक्स कर देना है और 2 मिनट के बाद हम इसमें पानी का उपयोग करेंगे। मैंने इसमें करीब 2 बड़े कप गर्म पानी के डाले हैं। हमारा फिश हेड विथ ब्रोकन राइस बनकर तैयार है। आप इसमें ऊपर से गरम मसाला को स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, पूरा ऑप्शनल है। आप इसे देखकर आप इसे गर्म राइस के साथ खाइए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद ना भी आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं अपनी रेसिपी में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकूं। थैंक यू।